जिस टीम को प्लेऑफ में पहुंचने का 1% चांस था, अब वो टीम 100% चांस के साथ प्लेऑफ में आ गई है और सबको उम्मीद है कि ये टीम अब आईपीएल की चैंपियन बनेगी। ये टीम कोई और नहीं बल्कि विराट कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है, जिसने चेन्नई को हराया, प्लेऑफ का टिकट पाया और आईपीएल इतिहास में वो कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर पाया था। जी हाँ, एक बड़ा इतिहास, एक बड़ा कारनामा आरसीबी ने कर दिखाया और इतिहास के पन्नों में आरसीबी ने अपना नाम दर्ज करवा लिया है। एक शानदार जीत दर्ज की, लगातार मुकाबले जीते और वो टीम प्लेऑफ में पहुंच गई जिसके लिए सबने उम्मीदें छोड़ दी थी। दरवाजे प्लेऑफ के बंद हो गए थे, चांस ही नहीं था कि ये टीम प्लेऑफ में पहुंच पाएगी। हर कोई ये कह रहा था कि आरसीबी 1-2 मैच जीत लेगी, थोड़ी इज्जत बचा लेगी, लेकिन प्लेऑफ में पहुंचना इसका नामुमकिन है। लेकिन नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया और आरसीबी ने इतिहास बनाया। दरअसल चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ जो मुकाबला हुआ बेंगलुरु में, उसमें 27 रनों से जीत दर्ज कर ली। हालांकि क्वालिफाई करने के लिए 18 रन की जीत चाहिए थी, लेकिन 27 रनों में से चेन्नई सुपर किंग्स को हरा दिया। आरसीबी ने जीत के साथ प्लेऑफ में क्वालिफाई भी कर लिया, पहले 8 में से 7 मैच हारने के बाद क्वालिफाई किया और ये एक इतिहास बन चुका है, क्योंकि ऐसा करने वाली आरसीबी आईपीएल इतिहास में पहली टीम बन गई है। जी हाँ, आरसीबी का ये इतिहास का सबसे बड़ा कमबैक है आईपीएल हिस्ट्री में। एक वक्त आरसीबी 10वें पायदान पर थी और ये कहा जा रहा था कि इस टीम का इस बार भी कुछ नहीं होगा और ये प्लेऑफ में कहां पहुंचेगी, क्योंकि प्लेऑफ में पहुंचने के चांस ही 1% के थे। लेकिन अब 100% प्लेऑफ में वो पहुंच चुकी है और उम्मीद की जा रही है कि ये टीम खिताब भी जीतेगी। 6 हार झेलने के बाद 6 जीत दर्ज करने वाली आईपीएल इतिहास में ये पहली टीम बनी। आज तक आईपीएल में ऐसा कोई भी नहीं कर पाया था, बड़ी बड़ी टीमें देखी लेकिन ऐसा कारनामा किसी ने नहीं किया था। 2010 में डेक्कन चार्जर्स, 2020 में पंजाब और 2022 में एसआरएच ने 5 मैच जीते थे, लेकिन आरसीबी वाला कमबैक नहीं कर पाया। 2011 में आरसीबी ने लगातार 7 मैच जीतकर रिकॉर्ड भी बनाया था। 2011 में आरसीबी ने फाइनल भी खेला था और आरसीबी आईपीएल 17 में डबल हैट्रिक अभी तक लगा चुकी है, 2 लगातार 6 मैच जीत के साथ। वहीं आरसीबी के पास ट्रिपल हैट्रिक का भी मौका है। एलिमिनेटर जीतने के बाद क्वालिफायर 2 जीते और अब फिर फाइनल जीते तो लगातार 9 मैच हो जाएंगे। तो आरसीबी, जिसके लिए कोई भी उम्मीद नहीं करके बैठा था कि ये टीम क्या प्लेऑफ में पहुंच सकती है, 1% चांस ये कह सकते हैं कि कुछ दिन पहले जब परसेंटेज निकाली गई टीमों की, तब यहां पर 1% और 3% चांस था आरसीबी का। लेकिन अब प्लेऑफ में वो पहुंच चुकी है 100% गारंटी के साथ ये टीम, और अब ये टीम जो है एलिमिनेटर मुकाबला खेलेगी, क्योंकि पोजीशन इनकी 4th है, तो एलिमिनेटर मुकाबला जीतना होगा तभी क्वालिफाई 2 में जाएगी। लेकिन अगर एलिमिनेटर में ही हार गई ये टीम तो ये फाइनल के रास्ते से बाहर हो जाएगी। तो आरसीबी एलिमिनेटर में है, एलिमिनेटर मुकाबला जीतकर क्वालिफायर 2 खेलेगी। क्वालिफायर 2 भी अगर जीत जाती है तो फिर ये टीम फाइनल में जा सकती है। विराट कोहली ने आईपीएल सीजन 17 से पहले ही कहा था कि वो भी एक बारी उस सपने को जीना चाहते हैं, उस पल को जीना चाहते हैं जब उनके हाथ में आईपीएल की ट्रॉफी आए। तो क्या आपको लगता है कि इस कमबैक के बाद आरसीबी आईपीएल सीजन 17 की चैंपियन बन पाएगी या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लेकिन आईपीएल में सबसे बड़ा इतिहास अब आरसीबी के नाम दर्ज हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।